क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बड़ी खबर गोंडा से आ रही, जहां पुजारी को मंदिर में कुछ दिन पहले बदमाशों ने गोली मार दी थी, लेकिन पुलिस ने अब इस पर नया खुलासा किया है कि षड्यंत्र के तहत जो है इसमें गोली जो पुजारी को मारी गई थी वो एक षड्यंत्र रचा गया था। पूरी जानकारी लेने के लिए हम रुक करते हैं गोंडा से अपने संवाददाता हामिद अली के से बात करते हैं। हामिद अली, क्या इस पूरे मामले में पूरी जानकारी जो सामने आई है, क्या है ये पूरी जानकारी, किस तरह का षड्यंत्र था ये? आपको बता दें, ये गोंडा का बहुत चर्चित मामला हो गया था, जो पुजारी का मामला था। इटिया थोक थाने के क्षेत्र के अंतर्गत श्री मनोरमा मंदिर है, जिसके महंत से उसी के संबंध में प्रधान और सब लोग, सात लोग मिलके संयंत्र कर उसको जो है गोली आपस में चला लिए और गोली चलवा लिए, जिससे जमीनी विवाद का मामला, जो अमर सिंह का मामला आ रहा था, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाना चाहते थे ये पुजारी और महंत मिल करके। अच्छा, यानी कि महंत और पुजारी ने, ये दोनों लोगों ने आपस में ही षड्यंत्र किया था गोली मारने के लिए, जिसमें पुजारी को गोली मार दी अमर सिंह को फंसाने के लिए। जी, हाँ हाँ, इसमें जो है प्रधान की भूमिका भी ज्यादा आ रही, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में इनका विवाद भी चलता था, जो इलेक्शन आ रहा है इसी के संबंध में कि हम अमर सिंह को फंसा देंगे तो अपना इलेक्शन में साफ हो जाएगा मामला। उधर जमीनी विवाद का मामला था पुजारी का, महंत का, सीताराम दास का, और जिसको सीताराम दास को संयंत्र के षड्यंत्र के मामले में पुलिस अधीक्षक ने टीम लगा करके गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय सातों आदमी। हामिद अली, ये बताइए कि कितने लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या इनके पास से कुछ बरामदगी भी, हथियार वगैरह हुई है क्या? हाँ जी, तमंचा बरामद हुआ है, जो असला था, और कुछ मतलब गोली भी बरामद हुई है, कारतूस वही बड़ा, 3 असला और 5 मोबाइल भी साथ में बरामद हुए, जिससे लोग आपस में बात करते थे। इसमें ज्यादातर प्रधान की मिली भगत थी, और ये पुजारी की जो महंत है सीताराम दास, इसकी भी बड़ी भूमिका थी इस मामले में, जो फंसाने के चक्कर में गोंडा में ये बहुत चर्चित हो गया था पुजारी वाला मामला। अब ये एसपी शैलेश कुमार पांडे ने पूरा खुलासा कर दिया है और माननीय न्यायालय भेज दिया सभी अभियुक्तों को। कितने अभी गिरफ्तार है इसमें? इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए, पुजारी महंत सीताराम दास सहित, जो मतलब मेन था इसमें वही षड्यंत्र कर रहा था पुजारी, महंत सीताराम दास उसी के साथ सात लोग अभी थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से पुजारी को जो गोली लगी थी, कहीं ना कहीं महंत और जो पुजारी है, इन लोगों ने आपस में ही जो है एक षड्यंत्र रचा था, जो जमीनी विवाद जिससे अमर सिंह के साथ जो चल रहा था उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं इन्हें ही बेनकाब कर दिया और इन्हें ही सलाखों के पीछे भेज दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।